बात करते हैं डिंडौरी की, जहां सहपुरा जनपद पंचायत क्षेत्र ग्राम पंचायत बरौदी माल के पोषक ग्राम बरौदा में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें स्कूल भवन आंगनवाड़ी भवन सोसाइटी में फलदार औषधि एवं छायादार वृक्ष लगाए गए हैं। इस दौरान सभी ग्रामवासियों ने शपथ ग्रहण कर संकल्प लिया है कि सभी हर माह एक एक पौधों का रोपण करेंगे और उनकी देखभाल करेंगे, जिससे कि पर्यावरण सुंदर एवं स्वच्छ वातावरण का बना रहे। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार वृक्षारोपण का कार्य कराया गया, जिसमें ग्राम बरौदा में उपयंत्री सेनेन्द्र वे अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी एपीओ राम मिलन रावत, एएओ सचिव नारद सिंह मरावी, सरपंच रामजी झारिया, ग्राम सभा मोबिलाइजर एवं समस्त ग्रामवासियों ने उपस्थित होकर पौधरोपण कार्य को सफल बनाया। विराट 24 की डिंडौरी से नेमलाल झारिया की रिपोर्ट। लोग यहां किस कार्य हेतु आए हैं? हम लोग यहां मनरेगा के तहत वृक्षारोपण जो हो रहा है उसके लिए हम लोग यहां उपस्थित हुए हैं। जी, तो आज आपने कितने पौधों का वृक्षारोपण किया है? आज लगभग सभी लोग सभी लोगों ने 20-20 पौधे का रोपण किया है। और आप देख सकते हैं, जैसे कि इस साइड भी और उस साइड भी पूरे रोड के बगल से हम लोग पौधे का रोपण किया है, और बहुत खुशी मिलती है पौधे लगाने से। और मैं तो चाहूँगा कि अपने परिवार को, पूरे देशवासियों से कहना चाहूँगा कि पौधों को सुरक्षित रखें और पौधारोपण करें। क्या है कि जब होंगे पेड़ सुरक्षित, तो होगा अपना भविष्य सुरक्षित। और सभी कोई पौधे लगाएं, बढ़िया उनको सुरक्षित रखें, यही हमारी मनोकामना है।